देकर के, कभी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को गाली देकर के, कभी मेरिट का तर्क ला करके हमारी लड़ाई को गुमराह कर देंगे। आइए, भेजिए जिसको भेजना है, जौन सा आपका सबसे सुयोग्य संतान है उसको भेजिए बहस करने के लिए। हम बहस करेंगे आपसे, हम आपको बताएंगे कि मैरिट क्या होता है। मैरिट ये होता है कि इस देश के गरीब से गरीब इंसान के बच्चे, पिछड़े से पिछड़े इलाके के बच्चे काला हांडी से आते हैं भाई साहब, जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है, जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां के बच्चे अपनी मातृभाषा तो जानते ही हैं, बांग्ला, उड़िया, भोजपुरी, मैथिली, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिस, ये सब भाषा तो वो जानते ही हैं। आपकी फर्राटेदार अंग्रेजी भी सीख करके एंट्रेंस देते हैं, पास करके नौकरी लेते हैं। और मेरिट की बात करते हैं, क्या मेरिट है आपके लल्ला का, जैसा का क्या मेरिट है, क्या मेरिट है? सिर्फ इस बात को छोड़ दिया जाए कि उनकी शकल हूबहू अमित शाह से मिलती है, उस आदमी का क्या मेरिट है, उसको कैसे इस देश में बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है? पूछेंगे कोई सवाल, कोई ठोकेगा ताल, बताएगा कि नेशन वांट्स टू नो, हम चैलेंज करते हैं आपको, हिम्मत करेंगे सवाल। जेएनयू से आपको चिढ़ इसलिए है कि जेएनयू सिर्फ जवाब देना नहीं सिखाता है, जेएनयू सवाल पूछना सिखाता है। और वो रवायत हमारे भीतर है। और आपको यह लगता है पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये नारा लगाए हैं, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। अरे जेएनयू जब बचेगा तो आपका बच्चा भी पढ़ेगा, कोशिश करके देख लीजिए। देखिए आपको बच्चे को पढ़ाने में क्या तकलीफ होती है। और मेरी माँ को सरकारी नौकरी नहीं है, 3000 कमाती है, बताइए जेएनयू था, इतना पढ़ा के सिखा दिया है ना कि जो आप पे हुक्म चलाता है ना उसको हम आंख दिखाते हैं। जेएनयू की बचाने की लड़ाई आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, आपके बच्चों के पढ़ने की लड़ाई है। इस देश में गरीब से गरीब इंसान ये सोच सके कि हम पीएचडी करेंगे, हम भी अंग्रेजी बोलेंगे, हम भी जीव टेढ़ी करके ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों एक्सेंट में अंग्रेजी बोलेंगे, ये आत्मविश्वास देता है ये यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी डराती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखता है कि आपके बटुए में पैसा कितना है, ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि आप जूता किस आए हैं, ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि मोदी जी की तरह आपने जर्मन चश्मा लगाया है कि नहीं लगाया है, ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि आपके पप्पा के पास लेटेस्ट एप्पल है कि नहीं है, ये यूनिवर्सिटी आपकी टूटी फूटी अंग्रेजी के चलते आपको बेइज्जत नहीं करती है, ये यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है, आपके साथ बैठती है, आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है। इस यूनिवर्सिटी का गेट किसी को डराता नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है, किसी मॉल में चलने वाला कोई 50% छूट की सेल वाला दुकान नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मॉल के शीशे वाले गेट के भीतर घुसने का हिम्मत नहीं करेंगे, आपको डर लगेगा। आप कपड़े का क्वालिटी चेक करने से पहले उसका टैग देखते हैं कि दाम क्या है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? यह यूनिवर्सिटी नहीं डराती है। अरे क्या फर्क पड़ता है कि किसकी मां कहां कमाती है और कितना कमाती है? यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे मानदंड को ये पूरा करते हैं, अगर ये एंट्रेंस पास करके आए हैं तो हम इनको पढ़ाएंगे। तो एक ही बात की चिंता रहती थी ना कि किसी तरह से एंट्रेंस पास कर लेना है, खैरात में नहीं मिला है, जैसा है कि तरह हमको खैरात में नहीं मिला है बीसीसीआई का कोर्स। अपनी मेहनत से एंट्रेंस पास करके अपनी मातृभाषा में स्कूलिंग करने के बावजूद अंग्रेजी पढ़ करके, अंग्रेजी सीख करके, अंग्रेजी में एग्जाम दे करके जेएनयू में एडमिशन लेते हैं, आप भीख नहीं दिए। और जेएनयू सिर्फ आज की पीढ़ी के लिए नहीं लड़ता है, अगर आज की पीढ़ी के लिए लड़ रहा होता तो आज जेएनयू के सारे पुराने प्रेसिडेंट यहां खड़े नहीं होते। बत्तीलाल भैरवा का नाम इतने गौरव से लिया जाता है
देखिए कि वो पुराने प्रेसिडेंट आज यहाँ खड़े हैं आप लोगों के साथ। ये जेएनयू की रवायत है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीना सीखते हैं, दूसरे का भी जीने का अधिकार है इस बात के लिए भी खड़े होते हैं। जेएनयू के स्टूडेंट जो आज जेएनयू में पढ़ रहे हैं, एक पत्रकार हमको बार बार कह रहा था कि जो दे सकते हैं उनको देने में क्या दिक्कत है। अरे जो तुमको दे सकते हैं उनसे तो तुम ले ही रहे हो। तुम ये तो बताओ कि जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए तुम्हारे पास क्या योजना है। जेएनयू में जो आज पढ़ते हैं उनको फेलोशिप मिलता है, उनको जेआरएफ मिलता है, वो फीस दे सकते हैं। वो सिर्फ अपनी फीस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि आज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कल को फिर से कोई आंगनबाड़ी का बेटा, कोई चूड़ी बेचने वाला का बेटा, कोई सब्जी बेचने वाली की बेटी यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाएगी, इस बात के लिए लड़ेंगे। और देश होने का यही मतलब होता है, यही मतलब होता है मेरे दोस्त देश होने का, कि देश हम सबका है, चाहे हमारा रंग कुछ भी हो, चाहे हमारी जाति कुछ भी हो, चाहे हमारी नाक कैसी भी हो, हमारी बोली कैसी भी हो, हम सब इस देश के नागरिक हैं। और जब हम इस देश के नागरिक हैं तो इस देश का संविधान सभी नागरिकों को पढ़ने का और सपने देखने का अधिकार देता है। आप हमारे सपने को छीन लेना चाहते हैं। पास ने एक बात कही है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। आप हमारे सपनों को मार देना चाहते हैं, नहीं मरने देंगे। आपको भ्रम है कि पुलिस से पिटवा देंगे, फर्जी मुकदमा करवा देंगे, अपने मीडिया चैनल को बोल बोल करके टुकड़ा टुकड़ा का गैंग बोलेंगे, एंटी नेशनल बोलेंगे, डर का ऐसा माहौल पैदा खड़ा करेंगे कि कोई आकर के खड़ा होगा उसको एंटी नेशनल बोलना शुरू कर देंगे। तो आप आंख में काजल डाल करके देखते रहिए कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, आप अकेले रह जाएंगे। आप अकेले रह जाएंगे क्योंकि हमने ये तय किया है, हमने ये तय किया है कि एकलव्य का अंगूठा तो आपने काट लिया, आज का एकलव्य अपना सर फोड़वा लेगा, अपना सर कटवा लेगा, लेकिन अपने पढ़ने के अधिकार को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। छोड़ दिए ना सर, क्रिमिनोलॉजी समझ लीजिए, क्रिमिनोलॉजी समझिए, वो क्रोनोलॉजी नहीं है। क्रिमिनोलॉजी ये है कि पहले एक देश की यूनिवर्सिटी को, जिसने इस देश को क्या नहीं दिया है, भारी बेशरम लोग हैं, दुद्दू को मंत्री बनाए हुए हैं जेएनयू से, दुद्दू को। और इस्तेमाल क्या करते हैं हमारे दोनों पुराने एलुमनाई का, जैसे भाजपा जब चुनाव हार जाएगी ना तो बाइट देने के लिए शाहनवाज हुसैन को भेज देगी, अब भाजपा जब जीत जाएगी तब पात्रा आएंगे मोदी जी की कृपा समझाने के लिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें, 7666477110। धन्यवाद।